आज का हमारा जो टॉपिक है वो गैलरी ऑपरेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, तो आज हम अपने प्रैक्टिकल लेवल से सभी लोग आ चुके हैं, थ्योरी में पढ़ाई चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा हमें इसे रिवाइज कर देते हैं। तो हमें इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, जो ऑल्टरनेटिव चाहिए, जो फ्रिक्वेंसी मीटर चाहिए, जो हमारी एक पहले ऑल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी को मैच कर सके, मेजर कर सके, ऑल्टरनेटर को मेजर कर सके, दो वोल्टमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे अल्टरनेटर वन को वोल्टेज मेजर करें और अल्टरनेटर टू को वोल्टेज मेजर करें। सिंक्रोनोस्कोप चाहिए, क्या चाहिए? सिंक्रोनोस्कोप। तो हमारा ये सिंक्रोनोस्कोप क्या करता है, दोनों के फेज एंगल को बताता है, इस तरीके से आरएमएस वैल्यू बोल सकते हैं, आरएमएस मान को बताता है, फेज सीक्वेंस और कंडीशन। इसके लिए अगर हमारे पास सिंक्रोस्कोप नहीं है, ये बहुत अच्छा खासा महंगा होता है, हम इसे परचेज हर कहीं नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो विधियाँ होती है, डार्क लैम्प विधि, एक ब्राइट लैम्प, ठीक, और एक ब्राइट लैम्प एंड डार्क लैम्प, जीरो। तो इसमें से हम ब्राइट लैम्प विधि यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सिंक्रोस्कोप भी हमारे पास है, हम दोनों ही फ्रेंड से चेक करके देखते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, पैनल के बारे में। आइए, ये हमारा सप्लाई आया है यहाँ पे, ये हमारे थ्री इंडिकेटर है, क्या लगे हुए हैं, आर वाई वी, ये तीनों को इंडिकेट करेगा। इसके बाद यहाँ पे सप्लाई बॉक्स है, ये हमारा डीओएल नहीं है पूरी तरीके से, पर कॉन्टैक्ट है, क्या है, थ्री फेज कॉन्टैक्ट। ये हमारी एमसीबी है, थ्री फेज सप्लाई जो हमारे इनपुट में आया है। ये हमारे फ्यूज लगे हुए हैं सेफ्टी पर्पज से, ये भी इंडिकेटर लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई स्टार्ट होती है अपने तरीके से बोल सकते हैं। एक तरीके से इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं कि ये हमारा पहला इंटरलेटर है, क्या है, हमारे पास जो अभी फिलहाल एक ही अल्टरनेटर है, तो प्राइम जो हमारा फर्स्ट अल्टरनेटर जो माना है हमने, वो सप्लाई को माना है, ठीक है। अल्टरनेटर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का रेटिंग जो सेम ही हो, ओके, दोनों का रेटिंग सेम हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं। लेकिन उसके लिए चार कंडीशन फॉलो चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए, फेज फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और फेज एंगल सेम होना चाहिए, ओके। इन चार चीजों को बहुत ही केयरफुली ध्यान रखें, प्रैक्टिकल के समय वाले इसलिए रिपीट करना चाहिए, तो बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़। अगर थोड़ी सी गलती होती है, अल्टरनेटर बंद हो तो बहुत ही ध्यान से। तो ये हमने बता दिया, इंडिकेटर लगे सप्लाई के लिए, इनपुट सप्लाई सोर्स, रिपेयर, और ये हमारा पहले क्या है, अल्टरनेटर। देखिए डायग्राम में जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ आप सभी को, ये हमारा पहला अल्टरनेटर जो बसवार से कनेक्ट हो गया, तो यहाँ से ही हमें इसको वायर गए हैं, थ्री वायर कनेक्ट कर दिए, कहाँ पे, बसवार की यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ओके ना। डायग्राम को देखते चलिए, कुछ स्पेशल नहीं करते, सब डायग्राम को ही मेंशन करके किया जाएगा। इसके बाद हमारा जो फ्रिक्वेंसी मीटर है यहाँ पर सेट कर दिया गया है, इसी के पहले जो हमें कनेक्शन किए गए हैं। उसके बाद देखिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वाला जो वोल्ट मीटर है वो हमारे इस वाले सप्लाई को दिखाएगा, और ये वाला जो वोल्ट मीटर है हमारे अल्टरनेटर के आउटपुट को दिखाएगा, ओके। ये सिंक्रोनोस्कोप है, ये क्या बताएगा हमको, फेज एंगल बताएगा। और देखो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट पे आप इस बात माता के देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सुई हमारी यहाँ भी आती है, तो हमारा वो जो फेज फ्रीक्वेंसी है वो माना जाएगा, क्योंकि आप ये सोच के ना रहे हैं कि यहीं पे आ जाए, यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जो हमने जो ए वन जो माना है अल्टरनेटिव सप्लाई को, आप जानते हैं सप्लाई में क्या होता है, 5% का वेरिएशन होता है, तो पॉसिबल तो नहीं है एक्यूरेट आपको मिल जाए, तो आप ध्यान रखें इस चीज को, दोबारा बता सकते हैं। अगर इधर हमारी स्विच हो जाती है सिंक्रोनोस्कोप में, तो क्या है, स्पीड जो मोटर की है वो वेरी फास्ट है, और ये स्लो है तो कम है, ठीक है। अगर इधर बताएगा तो मोटर का स्पीड फास्ट है। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए अब सर्किट पे आते हैं अपने, ये मैंने बताया यहाँ से आप लोग कहाँ गए, बसवार में कनेक्ट हो गए, उसके बाद हमारा सिंक्रोनोस्कोप कनेक्ट हो गया, ये इधर से कनेक्ट हो गए। उसके बाद हमने वोल्टमीटर भी लगा दिया, ये वाला किसका बताएगा, इसका जो ये रोटरी स्विच है ना, ये इस वाले वोल्टमीटर का है, इसका जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये इसका बताएगा, जब मैं ये वाला चालू करूंगा तो ये वाला मीटर बताएगा, किसी को डाउट हो तुरंत पूछ चलना, ठीक है। यहाँ से अब प्राइमरी मूवर को जो हमारा अल्टरनेटर है वो सभी के माध्यम से ही चलाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया है। तो ये हमारी क्या देखो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर 2 HP, ठीक है, और इसका आरपीएम जो कितना है, 1500 आरपीएम, ओके। यहाँ पर हमने एक सेंसर लगाया है उसी के नीचे, तो हमारे आरपीएम को बढ़ के बताएगा, मोटर का भी आरपीएम बताएगा एक तरीके से, पर हमको मतलब किससे है, अल्टरनेटर से, हमारा अल्टरनेटर
अब हम मैन मानेंगे, ठीक है। ये हमारे अल्टरनेटर की फिल्ड सप्लाई है, क्या है अल्टरनेटर का है ये, और ये हमारा फील्ड है उसका, क्या है और ये उसका रोटर है, ये क्या है रोटर, ये क्या है फील्ड। आप जानते हैं अल्टरनेटर को जब यूज में लिया जाता है, क्या अल्टरनेटर को जब यूज में लिया जाता है तो उसकी फील्ड को डीसी सप्लाई करके एक्सर्ट किया जाता है, कम से कम 12 वोल्ट दिया जाता है। कितने वोल्ट दिए जाते हैं? कम से कम 12 वोल्ट। यहाँ पे हम 20 से 30 वोल्टेज दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज, जब तक वो हमारा मेंशन ना हो जाए, जब तक हमारी फेज एंगल बराबर ना हो जाए। ये हमारी एसी मोटर की ड्राइव जो मोटर है ना, ये इसकी मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए हम किसके थ्रू कर सकते हैं? सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज को हम जब डाउन करेंगे तो वो स्पीड भी डाउन होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको ना? यहाँ से हमने इसको मोटर को सप्लाई किया, ठीक है। किसी को यहाँ तक क्लियर कनेक्शन हुई है ना? फिर से बताएं, ये वाले को, ये हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, प्राइमर मूवर ओनली, क्या है ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगा दिया। इसकी सप्लाई के लिए यहाँ पे देखो आर वाई बी थ्री में सप्लाई यहाँ से दे दी है। ये हमारे इसका ड्यूअल स्टार्टर है, क्या लगा दिया हमने यहाँ पे अल्टरनेटर का रोटर है और ये फील्ड है, इसके लिए हमने सेल्फ सप्लाई बनाया गया है। इसके थ्रू देखिए हमारे यहाँ पे जो दो वायर आए हैं ना, इसके फील्ड को देखो, फील्ड में दो वायर गया है ना, एक और दो, यहाँ से प्लस माइनस, क्या यहाँ सामने इसमें जो हमारा लगा है उसको बेटा रेक्टिफायर बोलते हैं, फेज माइनस, यहाँ फेज न्यूट्रल जो गया है अल्टर हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर गया है। इसके थ्रू हम वोल्टेज को घटा देंगे तो हमारे आउटपुट वोल्टेज वो भी कम मिलेंगे ना हमको, वो हमें इसके लिए गए हैं। अल्टरनेटर का थ्री फेज सप्लाई ये है, ठीक है, जो कि बसवार है ना पूरा। अब यहाँ पे जब ऐसे ही हमारे कनेक्ट हो जाएगा तो हम इसको अप कर देंगे, जिससे कि हमारा पूरा यहाँ पे शो होने लगेगा। जब हमारा जब यहाँ पे पूरा एक्यूरेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको भी ऑन कर देंगे और हमारा जो बस वायर है वो रेडी हो जाएगा। देखिए ये एमसीबी है ना, ये वाला एमसीबी से ये है, यहाँ पे भी एमसीबी और वो यहाँ पे ये है, और ये पूरा बस वायर में सप्लाई मिलेगा आउटपुट के लिए, वो ये मिलेगा यहाँ से। हमारा प्रैक्टिकल यहाँ से कम्प्लीट है। नेक्स्ट वन।